गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन्स जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है टू क्रिएट एंड बिल्ड अ लाइफ। बट पिछले कुछ सालों से सोसाइटी में वुमेन्स की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उनकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। पहले वुमेन्स को एजुकेट करने पर रोक लगा देते थे, बट जैसे जैसे सोसाइटी में इस पर ध्यान दिया गया, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया गया। 8th मार्च, एवरी ईयर 8th मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये जो डे होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, बिकॉज आज भी वुमेन्स के जो राइट्स होते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट होती है, ये सब आज भी बहुत कम है। वुमेन्स को कैसे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वुमेन्स को रियल में कैसे एम्पावर किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि आज भी वुमेन के अगेंस्ट कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, एसिड रेप एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ वुमेन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल देयर लाइफ्स। तो जो भी वुमेन की कैपेसिटीज़ होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके एंड वहाँ पर अपने लाइफ को कंट्रोल कर सके। वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू इंक्रीजिंग द स्पिरिचुअल पॉलिटिकल सोशल एजुकेशनल जेंडर और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज ऑफ वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स कि वुमेन और पर्सन के कम्युनिटी की स्पिरिचुअल पॉलिटिकल सोशल एजुकेशनल जेंडर या उनकी जो भी इकोनॉमिक जो भी स्ट्रेंथ होती है उनको इंक्रीज करना। वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन मैनी डिफरेंट वेरिएबल्स दैट इंक्लूड जियोग्राफिकल लोकेशन, अर्बन और रूरल, एजुकेशनल स्टेटस, सोशल स्टेटस, जिसमें कास्ट एंड क्लास एंड एज। तो इंडिया में वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट होता है वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, जिसमें जियोग्राफिकल लोकेशन आ जाएगी, अर्बन या रूरल, एजुकेशनल स्टेटस आ जाएगा, सोशल स्टेटस आ जाएगा एंड एज आ जाएगी। इन सब से एम्पावरमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू मेक चॉइसेस एंड टू ट्रांसफॉर्म दो चॉइसेस इनटू डिजायर्ड एक्शंस एंड आउटकम्स। एम्पावरमेंट जो है वो चॉइस बनाने एंड डिजायर्ड एक्शंस एंड जो भी आउटकम्स होते हैं उनमें, उन चॉइसेस को चेंज करने के लिए इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की जो भी अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको इंक्रीज करने का प्रोसेस होता है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द प्रोसेस बाई विच वुमेन स्ट्रेंथन्स देयर कैपेसिटी इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड एंड आउटकम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दस टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ्स। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वुमेन्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली अपने जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको अंडरस्टैंड करने और उसे दूर करने के लिए अपने कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। इस तरह से वो अपने लाइफ को कंट्रोल कर लेती है। वो अकॉर्डिंग टू एरो, एरो के अकॉर्डिंग क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन, वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू इंक्रीजिंग द स्पिरिचुअल पॉलिटिकल सोशल एजुकेशनल जेंडर और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है वुमेन इन इंडिया। तो इंडिया में वुमेन्स की पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, चाइल्ड सेक्स क्या है। तो टोटल पॉपुलेशन जो होती है वो 1,210.2 मिलियन 2011, आलमोस्ट इक्वल टू द कम्बाइंड पॉपुलेशन ऑफ USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान पुट टुगेदर। वुमेन पॉपुलेशन 586.5 मिलियन 48.5%। सेक्स रेशियो देखें 943 per 1,000 मैन, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 per 1,000। नेक्स्ट है द नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन नीड टू बी डेवलप्ड सोशली एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इन ऑर्डर टू अचीव। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है वो हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज़रूरी होता है, एजुकेशनल, सोशल एंड पॉलिटिकल। अब हम इसको वन बाय वन इनको हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। सोशल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन मीन्स राइजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। वुमेन आर यूजली डोमिनेटेड बाय
मैन इन द सोसाइटी, तो वुमेंस के जो सोशल डेवलपमेंट से मतलब होता है कि सोसाइटी में वुमेंस की स्टेटस को इंक्रीज करना। वुमेंस में यूजुअली सोसाइटीज में मेल्स का डोमिनेशन होता है। नेक्स्ट है सोशल लेगिस्लेशन हैज़ ब्रॉट अ चेंज बाय डेवलपिंग द वुमेन सोशली। नाउ अ डेज इफ वुमेन इज कंपेयर्ड विद द वुमेन ऑफ अर्लियर एजेस दे आर हैविंग मोर प्रिविलेजेस। तो वुमेन के सोशल डेवलपमेंट से सोशल लेगिस्लेशन में चेंज आता है। अब एक दिन अगर वुमेन को हम अर्लियर एज की वुमेन से कंपेयर करें तो उन्हें प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा मिलते हैं। दिस इज़ ड्यू टू सर्टेन लेगिस्लेशंस। इन 1950 न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया अकॉर्डेड इक्वल राइट टू द वुमेन। Now all women enjoying equal political right with men. They have the right to vote and have right to hold public office. 1950 में क्या था कि इंडिया के जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ने वुमेन को क्या कहता इक्वल राइट्स दिया था, और अब सभी वुमेन्स जो होती है मेल्स के साथ इक्वली पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय कर रही हैं, उन्हें वोट करने का भी राइट है। इन 1955 हिंदू मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट हैज़ रिमूव्ड सेवरल डिसेबिलिटीज। नो हिंदू कैन मैरी सेकेंड टाइम अनलेस वाइफ और हस्बैंड इज डेड और डाइवोर्स्ड। इन 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट ने सेवरल डिसेबिलिटीज रिमूव कर दी हैं। कोई भी हिंदू जो है वो सेकेंड टाइम मैरिज नहीं कर सकता जब तक कि वाइफ या हस्बैंड में से कोई भी एक डेड ना हो गया हो या उनका डाइवोर्स ना हो गया हो। इन 1978 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट Amendment Act has raised the marriage of girls from 15 to 18 years and for boys 18 to 21 years. In 1976, the Equal Remuneration Act provide for equal payment for women and men workers. 1976 mein Equal Remuneration Act ke according women aur males workers ko equally payment kiya jata hai. तो नेक्स्ट है एजुकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल से कैसे डेवलपमेंट हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो वुमेन जो होते हैं वो नीड्स टू बी एजुकेशनली डेवलप्ड। इट हैज़ बीन सीन दैट वुमेन रिसीव्स लेस फॉर्मल एजुकेशन देन मैन एंड एट द सेम टाइम वुमेन आर्न नॉलेज एबिलिटीज एंड कॉपिंग मैकेनिज्म्स ऑफन गो अनरिकॉग्नाइज्ड। वुमेंस को एजुकेशनल जो डेवलप होने की ज़रूरत होती है, यूजुअली देखा जाता है कि वुमेन को मेल के अकॉर्डिंग कम फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, और साथ ही वुमेंस के जो खुद की नॉलेज होती है, एबिलिटीज होती है, और कॉपिंग मैकेनिज्म्स का यूज़ करना अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशन विल हेल्प दैम इन क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग demerits and merits of large and small family size as well as other aspects of health. Education से उनको अपनी जो भी large और small family size होती है and health के जो भी other aspects होते हैं के बारे में awareness को create करने में help मिलती है। Next, if woman is educated then she can educate the whole family members and can care the family by adopting appropriate measures. अगर वुमेन जो होती है वो एजुकेटेड हो जाएगी देन वो क्या करेगी, होल फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट कर पाएगी एंड कैन केयर द फैमिली, और फैमिली की केयर भी अच्छे से कर पाएगी बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स। लैक ऑफ एजुकेशन इज द ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट इन द वुमेन, सो देयर इज़ नीड टू टेक ऑल द स्पेशल एफर्ट टू रेज द लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन एंड गर्ल्स एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन वुमेन के डेवलपमेंट में मतलब ऑब्स्टेकल मीन्स होता है बाधा बनता जा रहा है, क्योंकि वुमेन और गर्ल्स की जो एजुकेशन के बीच में लिटरेसी रेट जो होती है वो इंक्रीज करने के लिए सारे जो भी एस्पेक्ट जो भी स्पेशल एफर्ट्स होते हैं उनकी नीड होती जा रही है। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द प्लान स्कीम टू इस्टेब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स इन बैकवर्ड एरियाज। सेंट्रल गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज में गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कूल्स कॉलेजेस ओपन करने की प्लान स्कीम के लिए फाइनेंशियली हेल्प कर रही हैं।
नेक्स्ट है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट विल ब्रिंग अ चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वुमेन. तो एजुकेशन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो वुमेन की इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज लाएगा. तो वुमेन कैन बी एम्पावर्ड इकोनॉमिकली बाय, वुमेन जो होती है वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड कैसे हो सकती है, किस किस के थ्रू हो सकती है, इम्प्लीमेंटिंग इनकम जनरेटिंग स्कीम. फर्स्ट है इसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज इम्पेयर्ड एंड स्ट्रेटजीज टू प्लान एक्शन टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड अगेंस्ट जस्टिस इनजस्टिसेस. वो नेक्स्ट है वोकेशनल कोर्सेज फॉर वुमेन. नेक्स्ट ओपनिंग द पॉलिटिकल पॉलिटेक्निक्स फॉर वुमेन्स, वुमेन्स के लिए पॉलिटेक्निक्स खोले जा रहे हैं. रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन बाय प्रोवाइडिंग द वोकेशनल ट्रेनिंग कम एम्प्लॉयमेंट एंड रेसिडेंशियल केयर टू ओल्ड विडोज एंड डेसर्टेड वुमेन. ओल्ड विडोज एंड डेजर्टेड जो वुमेन्स होती हैं उनको वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स होती हैं कम एम्प्लॉयमेंट एंड रेसिडेंशियल केयर प्रोवाइड करके वुमेन के रिहेबिलिटेशन का काम भी कर सकते हैं. और टू नेक्स्ट है सेकेंड है टू रेज द इकोनॉमिक लेवल ऑफ वुमेन. वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन सो एज टू मेक दैम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट. वुमेन के इकोनॉमिकली लेवल को इंक्रीज करने के लिए वुमेन की जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिससे उन्हें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट बनाया जा सके. नेक्स्ट है थर्ड वन इज इट इज़ असेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी दैट द वुमेन शुड बी एम्पावर्ड एंड डेवलप्ड सोशली एजुकेशनली पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली. तो कम्युनिटी के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन्स को एम्पावर्ड बनाया जाए और उनका सोशल एजुकेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया जाए. In 2000, the government of India adopted the national policy for the empowerment of the women. This way to bring about the gender justices. तो 2000 में इंडिया गवर्नमेंट ने वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए नेशनल पॉलिसीज को अडॉप्ट किया. ये जेंडर जस्टिसेस के बारे में लाने के लिए था. नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज वाज अंडर consideration in 2005. The aim of this policy are क्या क्या aim है इस policy का. Women equality in power sharing and active participation in decision making. Next है comprehensive social and economical development of women. Partnership with the community based programs. Next है strengthening and formation of relevant institutional mechanisms. नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट से क्या इफेक्ट होता है वुमेन एम्पावरमेंट का, क्या क्या कर सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में. फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ सीट्स हेल्ड बाय वुमेन इन लोकल काउंसिल्स और डिसीजंस मेकिंग बॉडीज. नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग पोजिशंस इन लोकल गवर्नमेंट. नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द लोकल सिविल सर्विसेज. नेक्स्ट पर्सन ऑफ वुमेन और मैन रजिस्टर्ड एज वोटर्स परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वुमेन या मैन हु वोट. नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ वुमेन इन सीनियर जूनियर डिसीजन मेकिंग पोजिशंस विद इन यूनियंस. नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ यूनियन मेंबर्स हु आर वुमेन और मैन. नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें अदर नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट बिकॉज वुमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ. और दूसरी जो अदर नीड्स होती हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो कौन कौन सी होती है. डिसीजन मेकिंग पावर, मूवमेंट्स के जो पावर्स होते हैं उनको फ्रीडम होते हैं उनको डिसीजन लेने में, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़, एजुकेशन तक उनकी पहुँच होनी चाहिए. नेक्स्ट है एक्सपोजर टू मीडिया, मीडिया के कॉन्टैक्ट में. नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं घरेलू हिंसा. नेक्स्ट है व्हाई नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है.
तो द मेन प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड बाय वुमेन इन पास्ट डेज एंड स्टिल टुडे अप टू सम एक्सटेंट लास्ट डेज में वुमेन्स के द्वारा फेस्ड की गई मेन प्रॉब्लम्स जो कि आज भी कुछ हद तक हैं लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वुमेन एजुकेशन फीमेल इन्फेंटिसाइड डाउरी मैरिज इन सेम कास्ट एंड चाइल्ड मैरिज स्टिल एग्जिस्टिंग. नेक्स्ट है एट्रोसिटीज ऑन वुमेन जैसे रेप्ड हो गया किक्ड हो गया किल्ड सबड्यूड एंड ह्यूमिलिएटेड ऑलमोस्ट डेली. नेक्स्ट है होलिस्टिक अप्रोच टू एम्पावरमेंट. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वुमेन्स को स्ट्रेंथ मिलती है और वो स्ट्रांग बनेगी. तो सबसे पहले है वाटर सैनिटेशन. वुमेन जो है वो एजुकेट होगी तो क्या होगा वो वाटर और सैनिटेशन को अंडरस्टैंड कर पाएगी. वो उसे समझ में आने लग जाएगा कि क्या अच्छा वाटर अच्छा फूड होना चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा उनकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से उनको स्ट्रेंथ मिल जाएगी. वो अब आगे बढ़ेगी और वो अपना काम कर पाएगी खुद के लिए स्टैंड ले पाएगी और दूसरों के लिए भी. नेक्स्ट है असेट बेस. नेक्स्ट मार्केटिंग कर पाएगी जैसे जो बिजनेस कर सकेगी और शॉपिंग का काम भी कर सकती है. नेक्स्ट है क्रेडिट. तो मनी का लेन देन कर पाएगी क्रेडिट से. और टेक्नोलॉजी मतलब IIT में जा सकती है जैसे टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट कर सकती है आर्किटेक्ट में कर सकती है. और स्किल्स में प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी है एजुकेशन से भी उसको होलिस्टिक अप्रोच जो है वो डेवलप होगा उसका एम्पावरमेंट डेवलप होगा. तो एजुकेशन जो अगर वो स्टडी करेगी एजुकेट होगी तो बाकी सबको भी अवेयर कर सकेगी अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर पाएगी अंडरस्टैंड कर पाएगी सेल्फ डिपेंड बन पाएगी. और जो भी वाटर सैनिटेशन होता है और जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हेल्थ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको अंडरस्टैंड कर पाएगी. नेक्स्ट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में खुद और सबका वो खुद का भी और सबका बाकी सबका जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका अच्छे से ध्यान रख सकती है उनकी जो हाइजीनिंग का ध्यान रख पाएगी जिससे हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होंगी. तो इन सब चीज़ों के ये सब क्या होता है इन सब की वजह से क्या होता है कि उसको स्ट्रेंथ मिलती है और वो स्ट्रांग बन पाएगी अगर इन सब की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो तो. नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स. तो फर्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी हुए हैं. तो कौन कौन से होते हैं ये प्रोग्राम्स तो स्वयं सीधा में क्या होता है जिसे इसे हम इंदिरा महिला योजना भी बोलते हैं. ये जो होता है ये वुमेन्स के डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट होता है. अबाउट 10 लाख वुमेन हैव टेकन मेंबरशिप. नेक्स्ट है स्वशक्ति प्रोजेक्ट. इसमें क्या होता है पहले जो रूरल वुमेन्स डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट के से ना रूरल वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टेप. नेक्स्ट है स्वावलंबन. नेक्स्ट है क्रिचेस या डे केयर सेंटर्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग एंड एल्डिंग मदर्स. नेक्स्ट है हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन. नेक्स्ट है स्वाधार. इस स्कीम का गोल क्या होता है कि वुमेन्स को एडवांसमेंट और डेवलपमेंट एम्पावरमेंट लाना होता है. नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला कोष जिसे के बोलते हैं RMK. तो इसके अलावा क्या होता है इसको वुमेन्स के लिए नेशनल क्रेडिट फंड के रूप में भी इसे जाना जाता है. और क्या है इसमें जो पुअर वुमेन्स होती हैं उनको क्रेडिट
सपोर्ट या माइक्रो फाइनेंस के रूप में इनकम जो है उनकी जनरेटिंग एक्टिविटीज़ जैसे डेयरी, एग्रीकल्चर, शॉप कीपिंग, हैंडीक्राफ्ट जैसे काम जो होती है वो स्टार्ट करने के लिए, जिससे क्या होगा वो सेल्फ डिपेंड बनेंगी। अगर वो काम करेंगी डेयरी, शॉप कीपिंग वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स का खुद हाथों से बना के जो भी चीज़ें होती है वो उनका करेंगी, तो वो क्या होगी सेल्फ डिपेंड बनेगी, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी और अपना सेल्फ डिसीजन ले पाएंगी, और जिस और एजुकेटेड होंगी तो क्या होगा उसको एजुकेटेड होने से उनके जो भी वो अपने डिसीजन ले पाएगी और खुद का और फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका अच्छे से ध्यान रख पाएगी, और जो भी वाटर सैनिटेशन जैसे जो भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे हाइजीन से रिलेटेड जो भी होता है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगी। तो ये सब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, एम्पावरमेंट के इंक्रीजिंग के लिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।